ये देखो मैगी, कार्तिक मैगी कैसी बनी है? करो मैगी कैसी बनी है? बढ़िया बढ़िया। चैनल कैसी हो रखी है, मैं तो कुछ भी नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। क्यों तो क्या हो गया? क्योंकि शादी को इतने दिन बीत गए, चहल पहल देख अपने घर में फिर भी इतनी बड़ी है। तो जी शादी तो शादी बेटी की 1 तारीख की थी और आज कितनी तारीख है? 5 तारीख होगी। लेकिन हमारे घर में शादी का माहौल आज भी ऐसे लग रहा है, शादी का माहौल है। सबकी हालतें देख लो, सबसे पहले तो मेरी हालत देख लो। मैं हमेशा इसकी देख रखी है, इसकी आंख में फुंसी। वैसे एक तिरता मेकअप कर लिया था इसने, आई लैशेज लगा लिए थे तो इसके फुंसी हो गई। ये देखो ये सब राधे राधे, सब राधे राधे बोल रहे हैं इसको देखो। सोने के टाइम पे व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या करें, जब सब इकट्ठे हुए दिन में तो हम सारा दिन सोते रहते हैं, हमारे सफाई अभी नहीं हो रही है क्योंकि हम घर में इतने सारे जने अभी भी कि बड़ा अच्छा लगता है। राधे राधे। ओ चीनू, ये कह रही मैं इतनी बेवकूफ क्यों भाई? पूछ लो, मैं अपने सारे कपड़े पीजी में छोड़ाई। राधे 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 जी। ये भाभी जी भी मम्मा रिपीट नहीं। चलो बाहर का भी आपको दिखाती हूँ ड्राइंग। ये देखिए बिस्तर अभी उठे ही नहीं है हमारे, पूरा दिन बिछे रहते हैं। रजाइयां आने वाले सब और पूरा घर है अच्छे से। आगे जाओ, मेरा घर वाला तो आ गया बनाया। कार्तिक आ गया, कार्तिक ले बना। जय भोले की, जय भोले की। तो अंदर का व्लॉग भी बना ले, सबको दिखा दे, पापा को और सबको। मामा जी ने खाने का सारा काम संभाला था शादी का। पहले इस लड़की को दिखा दो, ये देखो है भतीजी। मम्मी आई थी मेरी, खाली यार लेके जा रही सामान बहुत सारा। ये भी अपनी अपनी किस्मत है, ये कहाँ से मिलती है? अच्छा, मेरे को पालिका से गए थे, वो भी ले आते। एकदम थैंक यू अन्नू वाला बोला, थैंक यू। अपने घर पूरा शादी का माहौल आज भी है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन पर जिसकी शादी थी वो तो गई हुई घूमने। अपने आप को निहार लिया, सारे यही कहते हैं कुछ लोग में। हाँ भाई, हाँ ये रहा एक। हाँ ये रही हमारी नेपाल की मोमोज। नहीं भाभी बोल रहा हूँ। ये हमारे लिए हमारी पहली बार मैगी। अब हम मॉडर्न हो गए ना, पहले लोग हलवा बनाते थे, मैगी बना रहे। तो फिर भैया चलो, मेरे दोस्त का फोन आ गया। मैगी बना के तो पैसे भी देने पड़ते हैं। है? हाँ। दे देंगे फिर। मेरा पेट से भरा होता है। समझदार बच्चा जॉब से आया है, अपने कपड़े मैं ये सोच के गई थी पता नहीं क्यों कि मैं वापस नहीं आऊंगी। और कपड़े लेकर मेरा ध्यान मन में वही घूम रहा था कि शायद वापस नहीं आना। नाइट सूट भी रखा है, कल के कपड़े भी रखा है। तो ये ऐसे भाग आई। शाबाश शाबाश, क्योंकि सारा दिमाग तो अभी तक ब्याह में से निकला नहीं है। पर मुझे यहाँ मैं मिठाई का सामान बता दूं। वेरी गुड। ये तो जा रहे हैं अपने घर, बहुत देर होगी मैगी नहीं खानी इन्होंने। खाने का मन तो है, जाने का मन भी नहीं है। तो रुक जाओ, नहीं जाना है, बच्चे करते हैं। हाँ तो कार्तिक तो यही अन्नू घर पे है। हाँ। तो मैगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी ना। हाँ वो तो कोई बात नहीं, मिस तो करेंगे। हाँ चलो जी, सबको ये तो जा रहे हैं बाय बाय करके। तो जी मैगी बनकर हो गई है तैयार और सब मैगी खाने में लगे हुए। मैगी ना किरण खाती ना मैं खाती मैगी, तो सबको दिखा देती हूँ। ये देखो आज मैगी पार्टी हो रही है। ये देखो मैगी, कार्तिक मैगी कैसी बनी है? करो
मैगी कैसी बनी है? बढ़िया। मनु मैगी कैसी बनाई है? मैगी कैसी बनी है? बढ़िया बनी है ना? सारी होना तो ये देख, मैगी से रोटी कौन खाता है भाई? सब खाते हैं, ये सब खाते हैं मैगी से। मैगी से रोटी कौन खाता है? कार्तिक खाता है। कार्तिक खा रहा है। ये एक और आई है, यशु की आई है। मैगी का पोस्टमार्टम। तो जी ये बनाया गया था ब्लॉग अचानक से, क्योंकि सब इकट्ठे हो रखे हैं घर में और बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक शादी का माहौल है, लेकिन जब ये सब लोग जाएंगे तब मुझे पता लगेगा कि अकेलापन है, मैं अकेली हो गई हूँ। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का ये अचानक ब्लॉग कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी आपको करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा।